नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, आप देख रहे हैं जीएनएन न्यूज। आइए देखते हैं द गीता ज्ञान महोत्सव के ऊपर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। नई दिल्ली नजफगढ़ क्षेत्र में वार्ड नंबर 134 में मनाया गया अष्टयाम महायज्ञ, उस पर डालते एक खास नजर। आज हम आए हुए नजफगढ़ क्षेत्र में जहाँ पर अष्टयाम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ हम बात करेंगे वार्ड नंबर 134 के निगम पार्षद सत्येंद्र राणा जी से। सत्येंद्र राणा जी, अष्टयाम महायज्ञ के समय पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को जानकी विवाह पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा आज के दिन कि हार्ट ऑफ इंडिया अगर कहीं है तो वो जनकपुर और बिहार में है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नायक और हिंदू धर्म के सबसे बड़े नायक रामचंद्र जी को माना जाता है। और रामचंद्र जी का विवाह जनकपुर में हुआ है, सीता जी वहाँ से हैं, तो गृहिणी जहाँ की हो उससे बड़ा कोई स्थान नहीं होता। दूसरा चीज़, पूरे दिल्ली में विवाह पंचमी उत्सव मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में विवाह पंचमी उत्सव मनाया जाता है। जानकी मंदिर सीता जी के नाम, सीता जी को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। सीता जी का मंदिर पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ नजफगढ़ क्षेत्र में है, साईं बाबा इनक्लेव में है। पिछले 14 सालों से हम लोग यहाँ पे जानकी उत्सव मना रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जन्मदिन अपने बच्चों का और अपना बहुत लोग मनाते हैं, बहुत नेता लोगों को भी देखता हूँ बड़े बड़े होर्डिंगों लगाते हैं। मैं तो आज तक अपना ना जन्मदिन मनाया ना मैरिज डे मनाया, मैं तो राम का जन्म मनाता हूँ और सीता का मैरिज डे मनाता हूँ। आज के दिन मैं यही कहूँगा कि सीता जी का आज जो विवाह उत्सव है उनके लिए सभी के तरफ से मैं जनकपुर के निवासी और सभी जितने पूरे हिंदुस्तान हैं सभी को मैं यही कहूँगा कि हैप्पी मैरिज डे सीता जी और रामचंद्र जी। आज के समय में जो 1500 के नोट बंद हो गया, 26 दिन हो चुके हैं इस मामले को और हर बैंक के पास लाइन लगी हुई है, इस समय को देखते हुए आपने ये प्रोग्राम कैसे किस तरीके से कर पाया, थोड़ा सा बताएं। ये प्रोग्राम हमारा नहीं है, ये हम सब लोगों का प्रोग्राम है। पूरे बिहार यूपी सब लोग मिल करके इस उत्सव को मनाते हैं और सब लोगों ने मिलजुल करके मंदिर में यह उत्सव मनाया है। और नोटबंदी का जहाँ तक सवाल है तो बंदी के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो देशवासी बताएंगे कि हम सब लोग कतार में खड़े हैं और उसका क्या परिणाम होता है। अच्छा हो, बस यही चाहते, दुआ करते हैं परमात्मा से। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन धन योजना के खातों पर कहा है कि भाई जो पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया गया है वो उनका हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? होना चाहिए, अगर किसी के अकाउंट में जो पैसा है पैसा तो उसी का होना चाहिए और उसी का है भी। अगर कोई पैसा दूसरा का किसी के अकाउंट में डालेगा तो हक तो उसी का बनता है। प्रधानमंत्री जी भी उसके अकाउंट में और पैसा डलवा दे ताकि जनधन योजना का जो अकाउंट खुला था उसका पर्पस वही था। हम तो कहेंगे 5-5 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया का जो उन्होंने वादा किया था वो सभी के अकाउंट में डलवा देना चाहिए, ये तो खुशी की बात है, बधाई देते हैं हम उनको। वहीं